अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम विद अनदर व्लॉग। इस वाले असी लोते हां एडमराला ब्रिज ते और अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट एडमराला तू असी जाने आगे हजरत बाबा शादी शहीद सरकार रहमतुल्लाह अलैह दे मजार शरीफ उते जो के मौजूद है पिंबर विच। और माशाल्लाह सुबह सुबह दा मंजर है। मैं क्या तू व्लॉग दा आगाज करिए, बड़ा जबरदस्त माहौल है और पानी दी जड़ियां लहरां ने ठाठा मार रही ने। ते तुहानू पानी भी मुंडा भी कहंदा है हेडपुराला दे मकाम उत्ते। और इस तों बाद असीं फिर सफर दा बकायदा आगाज करदे आ। जदा कल्ला है अल्हम्दुलिल्लाह माड़ी खोखरा पिंड सी लंघ आए हैं। तो हूँ असं अल्लाह के फजलो करम के नाल आंदा वे जा रहे हैं। भी मरा बड़ा जबरदस्त माहौल भी तुम्हें पत्थर चेक करो। माशाल्लाह लगता है स्ट्रॉबेरी की इंस्टॉलेशन की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतों साढ़ा तकरीबन रह गया सफर 70 तो 72 किलोमीटर। और पिछे काजी चक पिंड एक होर पिंड पेट्रोल इतों माशाल्लाह फुल करवाया है टैंकी 3D71 ऑफ द फेमस बाइक इन पाकिस्तान। से अच्छी फिर साढ़ा सफर दोबारा स्टार्ट होने लगा। तो पूछने चौधरी साहब ने फिर का मजा आया ठीक है माशाल्लाह। इंशाल्लाह तो चाहत आएगी और यादगार साढ़ा विलाग होएगा इंशाल्लाह। बिल कि आया ठीक हो गया जैसा थानू इंडिकेटर दे हड़े है कि भाई जान नाश्ता करना है। ते के मारन दा तरीका तुहानू दसने आ। पिंबर में हम पहुंच चुके हैं। ये जो आप हमारे बैकग्राउंड में पुल देख रहे हैं ये पिंबर का पुल है। और यहाँ पे अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के फौरी बाद हम हजरत बाबा शादी शहीद सरकार उनके दरबार शरीफ पर हाजिरी देंगे और उसके बाद फिर बादी समानी एंड सो ऑन सारा सफर आपको दिखाएंगे। चने आ गए ने अल्हम्दुलिल्लाह खान लगे हैं। तीन भाई छड़ दियो फोन नू मेरी जान, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। ते पहलवान जी आहो ठीक हो गया आहो। इंशाल्लाह नाश्ते तो बाद हुन असीं चले आ हजरत बाबा शादी शहीद दरबार शरीफ ते। और हुन असल सफर दा मजा आना है अल्लाह दे फजलो करम दे नाल। जदों असीं चढ़ाइयां चढ़नियां ने स्पेशली चाह पीनी है ते प्याली हो के चाह पीनी है चस आवेगी तुहानू। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नजीर वादी वादी समाहनी साड़ी बैक साइड उत्ते बोर्ड लगा दिया तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है। उस तो बाद हज़रत बाबा शादी शहीद दरबार उन्हां दा जार शरीफ है। तो 2 किलोमीटर की मुसाफत उत्ते ते ओ थले जितर गड्डी जा रही है ना उतरों असी दरबार शरीफ वल जाना है। माशाल्लाह उतरों लथ गए। तुसी जरा दरख्तों का नज़ारा लवो किड्डे आउटस्टैंडिंग ने। इत्थे दी जिहड़ी आबो हवा इत्थे दी जिहड़ी एयर है ना वो मैं कहना कि रूह जमीन तो किते भी नहीं। बड़े बड़े सोहने होणगे इलाके जो पिंबर का इलाका है आज़ाद कश्मीर का इलाका है उहदा को मुकाबला नहीं।
सामने मेरी जान दे टुटी उतू साडी एंट्रेंस होई है और दरबार शरीफ के बाहरी मनाजर ने माशाला जैसा कि तुम वेखते भी हो गड्डियां जायरीन कसीर तादाद इतने मौजूद ने दरबार शरीफ की भी ज्यारत तुम कर रहे हो। इस सामने दरबार शरीफ है हूँ असी तुहानू लै के चलने दरबार शरीफ के अंदर तो दरबार शरीफ के अंदर के मनाजर तुम्हें चल के विखाने। दरबार शरीफ के अंदर एंटर होन लगे हैं जैसा कि तुम वेखते भी हो और बाहर दुकाना ने जिन्हां उत्ते स्टाल्स लगे ने मुख्तलिफ किस्म के मट्टी के बर्तन और यह दरबार शरीफ की एंट्रेंस है। दरबार शरीफ के एंट्रेंस के मनाजर ने पहले मैं तुम्हें दरबार शरीफ के बाहरी मनाजर दिखा ला रस्ता किसी और जगह जाता है हूँ दरबार शरीफ के अंदरूनी मनाजर तुम्हें दिखाने दरबार शरीफ उत्ते हाजिरी पेश करने और चलिए फिर बिस्मिल्ला इतों कि जबरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस है सामने माशाल्लाह सामने जैसा कि तुम देखते भी हो पहाड़ नज़र आ रहे हैं उस सामने उत्ते दरबार शरीफ की बैक साइड उत्ते आवाम जाती है असी भी दरबार शरीफ उत्ते हाजरी तो बाद इंशाल्लाह ओ एंड उत्ते पहाड़ी पर जाएंगे तो तुहानू सारा उत्थों का व्यू भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। दरबार शरीफ के अंदर चल के अंदर की जियारत भी तुहानू करवाने सारियां नू सामने मस्जिद है माशाल्लाह सारी मस्जिद के मनाजर ने जैसा कि तुम वेख रहे हो माशाल्लाह और मस्जिद इस वेले बंद है दरबार शरीफ की बैक साइड उत्ते जायरीन आते ने मन्नतां चाढ़ते ने चढ़ावा चाढ़ते ने और ज़्यादातर इत्थे मन्नत जड़ी है वह बकरे की चाढ़ते ने ते इत्थे फिर दरबार की जड़ी इंतजामी है वह इन्हां नूं इहनां दा बकरा कुक करके दिंदी है कमरियां दे विच बैठ के जड़ा ना जायरीन अपनी मन्नत का जड़ा गोश्त वह खाते ने और बाकी गोश्त डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। सामने दरबार शरीफ के बिल्कुल अपोजिट साइड उत्ते बच्चों लई पार्क बनिया दरबार शरीफ की कह लो कि छत उत्तों ही इस पास्यों वेखो सामने बैक उत्ते किड्डा जबरदस्त और आउटस्टैंडिंग व्यू तुहानूं नज़र आ रहा है दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ ने माशाल्लाह मैं थोड़ा जिहा तुहानूं जूम करके दिखाना दरबार शरीफ की बैक साइड उत्ते बहुत वड्डा पहाड़ है जिहड़ा माशाल्लाह काफ़ी बुलंदी उत्ते बुलंदी का मैं एस्टिमेटेड पता नहीं लेकिन तुसी वेख सकते हो साड़ी बैक साइड उत्ते दरबार शरीफ का गुंबद जो कि किन्ना थले रह गया और इस जगह उत्ते आ गए जो हवा का जबरदस्त जायका जबरदस्त माहौल असी चख रहे हैं इनहेल कर रहे हैं ऐं दी हवा मैं कहना साढ़े इलाके दे विच ते किते भी नहीं लभ सकदी और एडा खूबसूरत और जबरदस्त माहौल है उम्मीद करना कि जो भी तुसी आओ तो एंड तक जरूर जाओ बड़ा अच्छा माशाल्लाह जड़ा ना लगे इत्थे आ गए और तुहानू इत्थों जड़ा ना कैमरामैन मेरी जान दे टुटी उह सारा अगे पिछे का माहौल भी दिखाता है और इतों जो पहाड़ थले नज़र आ रहे हैं वह भी सारे दूर तक दिखाता है। मैं लगता है धुंद या समथिंग लाइक दैट जिंद वजह तो अज पहाड़ मौसम ओडा क्लीयर नहीं है कि पहाड़ वाजिया नज़र आ जी मेरी जान दौ टोटे वादी समानी की तरफ जान लगे हाँ रस्ते दे विच प्याली होटल है उत्थे असी रुके हाँ और चाय पी रहे हैं तो प्याली दे विच चाह पिलांदे ने इस वजह तो ना है प्याली होटल ते ऐ प्याली होटल दे बिल्कुल सामने बिला बॉक्सर नूं राह जांदा है काफ़ी दूर अगे जा के तकरीबन 7-8 किलोमीटर अंदर जा के किला बॉक्सर से तुम पहुँचते हो। मैं लास्ट टाइम जो गया सा तो मेरा मशवरा तुहानू है ही है कि तुम ना जायो मैनू इजाजत नहीं लभी वजह है वे कि और लॉक किया दो माशाल्लाह प्याली होटल तो चाह पीन तो बाद मैं आया सा एक आबशार वेखन लेकिन अनफॉर्चुनेटली सानू इजाजत ना लभ पाई ड्यू टू सिक्योरिटी रीजनस तो हूँ अल्लाह के फजलो करम के नाल असी एक चैक पॉइंट वेखिया जैसा कि तुसी वेख रहे हो हर तरफ जंगल ही जंगल है खूबसूरत हरियाली है खूबसूरत माशाल्लाह एटमोसफेयर है तो वो खिलोगे विलॉग का अहतमाम कर रहे हैं
ते उम्मीद करना कि तुहानू ए सारे दा सारा विलॉग बेहतरीन लगा होवेगा और तुसी इस विलॉग नू ज्यादा तो ज्यादा शेयर करोगे और अपनी कीमती अरादा इजहार जरूर कमेंट सैक्शन दे विच करोगे और ऐ जबरदस्त पहाड़ वेखो ताकि असी अपने विलॉग दा अहतमाम करिए और मिलने हैं इंशाल्लाह तुहानू एक नवे विलॉग दे विच बशर्ते जिंदगी बा फजले खुदा दुआवां च याद रखियो। मैं तुहाडा अपना होस्ट मुहम्मद फैसल करीमी।